साथियों नमस्कार। साथियों आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ MAP और SSP और DAP यानी डायमोनियम फॉस्फेट, MAP मोनो अमोनियम फॉस्फेट, SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट। एक तो DAP की मार्केट में बहुत बड़े स्तर पर कमी देखने को मिल रही है, किसान भाइयों को मजबूरन बहुत सारे दूसरे खाद लगा के अपने खेतों की पूर्ति करनी पड़ रही है, जैसे तैसे वो बिजाई कर रहे हैं। अब यहां पर एक ऑप्शन उनके पास में विकल्प के तौर पर बहुत अच्छा है, MAP का मोनो अमोनियम फॉस्फेट। बहुत सारे किसान भाई पूछते हैं कि मोनो अमोनियम फॉस्फेट अगर हमें मिल जाता है तो हम उसकी बिजाई अपनी खेतों में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या वो DAP से कितना अच्छा है या वो DAP से सही नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको DAP और MAP के दोनों के अंतर के बारे में बताऊंगा कि इन दोनों में क्या विशेष अंतर है और आपको कौन से प्रोडक्ट को परचेज करके उसकी बिजाई करने में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों सबसे पहले बात करूंगा मैं DAP के बारे में। DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट है, ठीक है। इस प्रोडक्ट की जो pH वैल्यू होती है वो 7.5 होती है। pH हमारी मिट्टी में इतना बड़ा रोल प्ले करता है कि अगर हमारे खेतों की मिट्टी का pH 7.2 से ज़्यादा हो जाए तो हमारे खेतों में फसल को पैदा करने में दिक्कत आती है, क्योंकि हमारे खेतों में लगे हुए खाद को हमारे पौधे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और ज़्यादातर खाद लगने के बाद में रिजल्ट नहीं देते और मिट्टी में फिक्स हो जाते हैं। अब इस बात को यहीं से आप समझें कि इसकी जो pH वैल्यू है वो 7.5 होती है, ठीक है। यानी pH जो है वो पौधे के लिए ज्यादा है हमारी मिट्टी की अपेक्षा, अगर मिट्टी का pH हम देखें, ठीक है। अब बात करते हैं कि DAP के अंदर होता क्या क्या है। DAP के अंदर दो प्रोडक्ट खासकर होते हैं, क्या नाइट्रोजन यानी कि यूरिया, जो 50 किलो का बैग होता है उसके अंदर 18% नाइट्रोजन की मात्रा होती है, ठीक है। अब उसके आगे की बात करते हैं कि जो फास्फेट तत्व होता है वो 40% होता है उसके अंदर, ठीक है, 40% फास्फेट। अब जो 40% फास्फेट है उसमें से 39% फास्फेट ही पानी में घुलनशील होता है, बाकी जो फास्फेट का 1% होता है वो मिट्टी में फिक्स हो जाता है, वो पौधे को नहीं मिलता, ठीक है। अब बात करते हैं कि DAP फिर हम अगर सीधे खेत में डाल देते हैं तो क्या वो पूरा पौधे को मिल जाता है या नहीं मिलता। साथियों 50 केजी का बैग होता है उसमें से मात्र 40% खाद हमारा पानी में घुलता है, और पानी में घुलने के बाद जो पौधे की जड़ों के संपर्क में खाद आ जाता है वो तो पौधे को मिल जाता है, बाकी वो सभी मिट्टी में ही फिक्स होके ख़त्म हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर सिफारिश करी जाती है कि सिर्फ मिट्टी में लगाने से ही काम नहीं चलता, मिट्टी में कम मात्रा लगा दो लेकिन पानी में घोल के पानी के साथ जरूर लगाओ, उससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। 4 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ का DAP पानी के साथ घोल के अगर पानी के साथ चलाओगे तो वो पौधे की जड़ों तक ज़्यादा मात्रा में पहुँचेगा और पौधों को ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। अब बात करते हैं MAP के बारे में। MAP के अंदर कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, क्या कि सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की मात्रा की। जो DAP के अंदर 18% पाया जाता है वो मात्र 11% नाइट्रोजन इसके अंदर होती है, ठीक है। अब बात करते हैं फास्फेट की, क्योंकि हम DAP को मात्र फास्फेट के लिए लगाते हैं न कि यूरिया के लिए। यूरिया हमें सस्ता पड़ता है, हम दूसरा तत्व लगा लेंगे यूरिया का, कोई बड़ा इशू नहीं है। और जो फास्फेट की मात्रा है वो होती है यहाँ पर 52.5%, यानी कि जो DAP है उससे 12.5% MAP में फास्फेट की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हमारे लिए वैल्यूएबल क्या है MAP। अब बात करते हैं यहाँ पर pH वैल्यू की, जहाँ पर कि DAP का pH वैल्यू 7.5 होता है, यहाँ पर जो pH वैल्यू है वो मात्र 3.5 होता है। इसका फर्क जानते हो आप क्या होता है, इसका फर्क हमें क्या वैल्यू देता है ये आप देखिए मिट्टी से, कैसे हमारी मिट्टी के लिए 7.2 जो pH है वो आदर्श है, ठीक है। 5 से लेकर या 6 से लेकर 7.2 के बीच का जो pH है वो सबसे बढ़िया है। अब
अगर किसी मिट्टी का पीएच 7.5 है, ठीक है, और उसमें हमने डीएपी लगाया 7.5 का, तो वो हमारी मिट्टी के पीएच को कम नहीं करेगा। लेकिन अगर हम उसी मिट्टी में एमएपी लगा देते हैं जिसकी पीएच वैल्यू 3.5 है, तो वो हमारी मिट्टी के पीएच को जरूर कम करेगा। अब इस बात को ऐसे समझो कि अगर हम किसी भी मिट्टी में अपनी में जहां पर की पीएच वैल्यू 7.5 है उसमें एमएपी लगाते हैं और एमएपी की वैल्यू जो पीएच की है वो 3.5 है, तो हमारी 7.5 वाली जो पीएच वैल्यू की मिट्टी है उसके पीएच को अगर वो 7.2 तक ले आता है, कम कर देता है इतना, तो हमारी वो मिट्टी आदर्श मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगी और फास्फेट की मात्रा 12.5% हमें ज़्यादा मिलेगी। इसलिए एमएपी की वैल्यू हमारे लिए ज़्यादा है। अगर डीएपी नहीं मिलता है कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है डीएपी के पीछे पैसा फेंकना। आप एमएपी का इस्तेमाल करिए अपनी फसलों की बिजाई के लिए, ये पीएच के लिए अच्छा है। और फास्फेट की मात्रा ज़्यादा मिल रही है, नाइट्रोजन की मात्रा कम है, इसलिए ये ज़्यादा वैल्यू करेगा हमारी फसल के लिए और अपने पौधों के अंदर जड़ों की ट्रिलिंग ज़्यादा बढ़ाने में, फुटाव ज़्यादा लाने में और दाने के भराव को बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसलिए आप एमएपी का इस्तेमाल करिए और अच्छे रिजल्ट लीजिए। आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।